हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। तो जहां पर हम लोग छोड़े थे थ्योरी वन, यह थ्योरी जीरो। देखिए अगेन इंट्रोडक्शन टू जावा में हम लोग आते हैं और हमने मिस किया था वर्जन हिस्ट्री ऑफ जावा। तो जावा का सबसे पहला वर्जन जावा 1.0, जिसे ओक के नाम से रिलीज किया गया था May 1996। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि फाइंड किया गया था जावा को 1991 में, इन्वेंट किया गया था या डिस्कवर किया गया था 1991 में, लेकिन 1991 में ये कमर्शियल वर्जन रिलीज नहीं हुआ था। कमर्शियल वर्जन रिलीज हुआ May 1996 में। कमर्शियल वर्जन ऑफ जावा 1.0 वॉज रिलीज्ड इन May 1996, कंसिस्टिंग ऑफ 212 क्लासेस एंड 8 पैकेजेस। ठीक, 1991 में जब जावा इन्वेंट हुआ तब ऐसे तो नहीं छोड़ देगा ना, ऐसे नहीं छोड़ देगा, इसको टेस्ट करेगा। तो टेस्ट करते करते इसके अंदर जितना सारा खराबी था या मॉडिफिकेशंस होना था सब को टेस्ट करते करते हो गया May 1996। ठीक, तब कमर्शियल वर्जन ये मार्केट में रिलीज किया गया जिसमें 212 क्लासेस थे और 8 पैकेजेस थे। ठीक, अगेन जावा 1.1 February 1997, कंसिस्टिंग ऑफ क्लास 503 एंड नंबर ऑफ पैकेजेस 23। जावा 2.0 December 1998, कंसिस्टिंग 1520 क्लासेस एंड 59 पैकेजेस। जावा 5.0 September 2004, कंसिस्टिंग 3562 क्लासेस एंड 166 पैकेजेस। अगेन जावा 6.0 December 2006 एंड कंसिस्टिंग नंबर ऑफ क्लासेस 3792 एंड नंबर ऑफ पैकेजेस 203। जावा 7.0 July 2011, कंसिस्टिंग 4024 क्लासेस एंड 209 पैकेजेस। जावा 14 March 2020, कोरोना पीरियड March 2020, 4569 क्लासेस एंड 224 पैकेजेस। एंड द लेटेस्ट वर्जन इज जावा, लेटेस्ट जावा इज जावा 17 और JDK 17। हम लोग JDK को समझेंगे थोड़ा सा टाइम बाद। व्हाट इज JDK? ठीक, अच्छा, ये रिलीज हुआ था September 2021 में। ठीक, और अभी लेटेस्ट यही है, इसमें भी डेवलपमेंट अभी चल रहा है। ठीक, अच्छा, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ जावा। फर्स्ट फीचर इज जावा इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बिकॉज जावा का कोडिंग स्टाइल इज वेरी क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हम लोग बहुत आसानी से इसको कोड कर सकते हैं और बहुत इजीली ये समझ में आ जाता है हम लोग को। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये किसको फॉलो करता है? ये ऊप्स को फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिस्टम। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कि कोई भी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने क्लास को कॉल करता है। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे जावा में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम प्रोग्राम कैन रन ऑन अनदर मशीन। ठीक, एक ही प्रोग्राम हर एक मशीन में रन कर जाए, इस कारण जावा डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, सभी के पास व्हाट्सएप इंस्टाग्राम होते हैं, एक बार ही किया गया है उसका कोडिंग, एक एप्लीकेशन ही है जो एंड्रॉयड के हर फोन में रन कर जाता है, एप्पल के हर फोन में, iOS के हर प्लेटफॉर्म में रन करता है। ठीक, सो जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा इज इंटरप्रेटेड, दैट मीन्स गलती कहां हुआ है, जावा प्रोग्राम के किस लाइन पे हमारा गलती हुआ है वो मुझे पता चलता है, क्योंकि जावा इज इंटरप्रेटेड, चेक्स ईच लाइन एट अ टाइम।
checks each line at a time. Again, Java is robust. Robust means Java is capable of handling runtime error, exception handling, etc. Java बहुत सारा चीज को एक बार में handle कर सकता है. For example, runtime error, exception handling, ये दोनों topic को हम लोग programming से फिर से देखेंगे कि ये robust का मतलब actually है क्या. Simple भाषा में, for example, एक तुम्हारा friend है, वो बोल रहा है कि भाई मैं देख लूँगा, कुछ भी होगा मैं देख लूँगा. So does Java. Java is a robust. ठीक, अच्छा. Secure. Java is a secure program. क्योंकि इसका प्रोग्राम, जावा का सारा प्रोग्राम जब भी हम लोग लिखते हैं तो ये मशीन कोड को JVM हम लोग जो लिखते हैं वो मशीन कोड भी लिखते हैं. ठीक, जो भी कोड हम लोग लिखते हैं जावा में वो हम लोग लिखते हैं मशीन कोड में. जावा क्या करता है, JVM उस मशीन कोड को बाइट कोड में चेंज करता है, बाइट कोड में चेंज करता है और फिर वो रन कराता है अपने प्रोग्राम को. ठीक, किसके अंदर, सैंडबॉक्स, जावा वर्चुअल मशीन. जावा इज अ सिक्योर एज प्रोग्राम रन्स इनसाइड जावा वर्चुअल मशीन नोन एज सैंडबॉक्स. और कैसे रन करता है, बाइट कोड में रन करता है. कैसे रन करता है, बाइट कोड में. ठीक है, पोर्टेबल. सबसे पहले समझिए पोर्टेबल वर्ड का मतलब क्या होता है. कोई भी चीज हम लोग एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते हैं, इसको हम लोग पोर्टेबल कहते हैं. वन प्लेस टू अनदर, किसी भी चीज का मूवमेंट. ठीक, तो जावा का प्रोग्राम हम लोग किसी भी मशीन में रन करा सकते हैं. शर्त क्या है, JVM इंस्टॉल होना चाहिए. अगर आपके मशीन में JVM है तो जावा से लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम आपके मशीन में रन कर जाएगा. दैट्स व्हाई जावा इज पोर्टेबल. एट पॉइंट, मल्टी थ्रेडेड. व्हाट इज मल्टी थ्रेडेड, अलाउज कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ CPU. जावा का कैपेबिलिटी है दो या दो से ज्यादा पार्ट किसी भी प्रोग्राम का एक बार में रन करा दे. दो या दो से ज्यादा पार्ट प्रोग्राम का, बहुत सारा मेथड को, बहुत सारा कंस्ट्रक्टर को ये एक बार में एट अ टाइम रन करा देता है ताकि CPU के RAM का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाए, उसका मैक्सिमम लिमिट तक जा पाए. ठीक, जिसके कारण रन टाइम कम हो जाए, जिसके कारण रन टाइम कम हो जाए. ठीक, लास्ट, गार्बेज कलेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. ठीक, अच्छा, हम लोग जब सी प्रोग्राम करते थे तो उसमें एक प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद कुछ गार्बेज वैल्यू रह जाता था मेमोरी ब्लॉक के अंदर. कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकता है, वो हम ही डिफाइन करेंगे. वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 4, 3, 2, 1, 6, ABCD, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. तो हम लोग को सी प्रोग्राम में, इन सी हम लोग को यूज करना पड़ता था फ्री फंक्शन टू क्लियर द गार्बेज फ्रॉम एनी मेमोरी लोकेशन. ठीक, और C++ में हम लोग यूज करते थे डिलीट फंक्शन, डिलीट फंक्शन इन C++. हम लोग यूज करते थे डिलीट फंक्शन C++ में ताकि अपना स्टोरेज फ्री हो जाए. ठीक, कोई भी गार्बेज वैल्यू ना है, लेकिन जावा पहले से ही गार्बेज कलेक्टर है. यहां पर हमको कोई भी कमांड या कोई भी फंक्शन अलग से यूज नहीं करना पड़ेगा. यहां पर हमको कोई भी कमांड यूज नहीं करना है अपने मेमोरी ब्लॉक से कोई भी गार्बेज को डिलीट करने के लिए. इट कलेक्ट्स द गार्बेज ऑटोमेटिकली. तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. हमारा अगला टॉपिक कंपाइल एंड रन. सारा प्रोग्राम कंपाइल और रन कैसे होगा, सबसे पहले समझिए कंपाइल का मैकेनिज्म कि सारा प्रोग्राम कंपाइल और रन होता कैसे है. ठीक, अच्छा, हाउ टू कंपाइल. ठीक, सबसे पहले हम लोग कोई भी कोड करते हैं. अब अलग अलग प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे जन ब्लूजे में करते हैं, बहुत सारे जन डॉस यूज करते हैं, बहुत सारे जन एक्लिप्स यूज करते हैं. ठीक, अलग अलग प्लेटफॉर्म है. अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कर रहे हो तो आप कोई भी कोड लिखें,
कोई भी कोड लिखें, अपने क्लास का नाम, अपने क्लास का नाम से आप अपना फाइल नेम सेव कर रहे हैं। तो आपका क्लास का यदि नाम है या फिर आप अपना फाइल का नाम दे रहे हैं ऐड, जब आप इसको सेव करेंगे कंपाइल करने के पहले जब आप इसको सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन होगा add.java। आपने कंपाइल को क्लिक किया, आपने किसको क्लिक किया, कंपाइल। जैसे ही आपने कंपाइल को क्लिक किया, ये add.java ये चेंज हो गया add.classfile में। बहुत इंपॉर्टेंट, add.java चेंज हो गया है add.classfile में। ये जो .classfile है इसी को बोलते हैं बाइट कोड, बाइट कोड। दैट मींस ये जो add.java फाइल था ये अपना लिखा हुआ था लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, जो कि चेंज हो गया बाइट कोड में, जो किसमें चेंज हो गया बाइट कोड में, जब हम लोग ने कंपाइल को प्रेस किया। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप यदि कोई भी चेंजेस डॉट जावा फाइल के अंदर करेंगे, कोई भी चेंजेस आप करेंगे, वो इसमें तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो इसमें तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक आप अगेन कंपाइल प्रेस ना कर दें। ठीक, आप सोचेंगे कि ए और बी का वैल्यू हम चेंज कर दे और डायरेक्ट रन करा दे, तो जब आप रन कराएंगे तो अगेन ये रन हो जाएगा क्योंकि आपने कंपाइल प्रेस नहीं किया है। तो याद रखिए JVM हमेशा बाइट कोड को रन करवाता है। ठीक, बाइट कोड मतलब डॉट क्लास फाइल, बाइट कोड मतलब डॉट क्लास फाइल, क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि रन हुआ कैसे। तो ये जो एड क्लास फाइल था, ये आया एड क्लास फाइल AdD.class, ये आया किसमें, आया JVM के अंदर आया। JVM क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, JVM, ये हमारा JVM। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है बस, मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। जावा वर्चुअल मशीन, ठीक। अच्छा, एड डॉट क्लास फाइल आया इसके अंदर। अच्छा, ये रहा हमारा इंटरप्रेटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है, वो इंटरव्यू हो या कॉम्पिटेटिव हो, किसी भी एग्जाम में बहुत सारे जन बोलते हैं कि जावा कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, JVM कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, लेकिन रियलिटी में आप उसको इंटरप्रेटर भी बोलिएगा, आप इसको इंटरप्रेटर बोलिएगा। रीजन, क्योंकि ये कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपके सारे कोड को एट अ टाइम चेक कर देगा, एट अ टाइम। आपका प्रोग्राम में अगर कोई एरर आया होगा तो आपको पता नहीं चलेगा वो किस लाइन में आया है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एरर किस लाइन में हुआ है। अगर आप कॉपी चेक करवा रहे हैं अपनी मैम से और मैम एक एक लाइन चेक कर रही है तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इस लाइन में गलती है। लेकिन अगर मैम आपकी कॉपी एक एक पेज करके चेक कर रही है और किसी पेज में वो काट दी तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका कटा है। उसी तरह कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम चेक कर देगा, क्योंकि जावा में हमको पता रहता है कि किस लाइन में गलती हुई है हमारी। तो इस कारण आप इंटरप्रेटर लिखिएगा और इसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी बोला जाता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं या एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं। ठीक,
जिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे जेवियन उस एनवायरमेंट के अनुसार काम करेगा। ठीक, तो ये हम लोग सीखे कि कंपाइलर क्या होता है और कंपाइलर में प्रोग्राम, कंपाइलर का यूज क्या है, कंपाइलर का बेसिकली यूज क्या है, ठीक, और रन होता कैसे है। ठीक, आप इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।